Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. So, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इफेक्टिव एक स्किन केयर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन टीनएजर्स गर्ल्स के लिए मैं लेकर आई हूँ. एक गुड मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन फॉर टीनएजर्स शुड फोकस ऑन क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द स्किन फ्रॉम द सन. तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन टीनएजर गर्ल्स के लिए बताने वाली हूँ. सो वॉचफुल एंड डोंट जेंटल सा क्लींजर यूज करें जो कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डर्ट, जितनी भी स्वेट, जितने भी ऑयल होता है आपकी स्किन पर ना, अक्यूमुलेटेड ऑयल होता है, उन सबको जो है वो आपकी स्किन से रिमूव कर दे. और एक ऐसा अपनी स्किन के लिए माइल्ड सा क्लींजर ढूंढें जो कि आपके पोर्स को भी क्लॉग ना करे. स्टेप नंबर टू इज टोनर. अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्नी प्रोन है तो आपको एक जेंटल सा अल्कोहल फ्री टोनर यूज करना चाहिए जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा हो. टोनर्स कैन हेल्प बैलेंस द पीएच लेवल ऑफ द स्किन और ये हमारी स्किन पर जितने भी ऑयल के ट्रेसेस होते हैं या डर्ट होती है उन सबको रिमूव करने में हमारी मदद करता है. स्टेप नंबर थ्री इज मॉइस्चराइजर. एक ऐसा लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर अपनी स्किन के लिए यूज करें जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे. Even if you have oily skin, it's essential to use a moisturizer to maintain skin health. Look for ingredients like hyaluronic acid or glycerin, जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है. Step number four is sunscreen. Sunscreen is a crucial to protect your skin from the harmful UV rays of the sun. एक ऐसी broad spectrum sunscreen को choose करें जो कि जिसके अंदर SPF 30 हो, at least SPF 30 हो, आप ज़्यादा भी use कर सकते हैं. And apply it every morning, even on cloudy days. ये step बहुत ज़्यादा essential है अपने स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग से प्रिवेंट रखने के लिए और आपकी स्किन पे जो स्किन कैंसर हो, स्किन कैंसर का जो रिस्क है ना उसको भी रिड्यूस करने के लिए. स्टेप नंबर फाइव इज हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स. रिमेंबर दैट स्किन केयर इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट्स. A healthy lifestyle also contributes to clear skin. बहुत सारा पानी पिए और ऐसी डाइट खाएं जो मतलब ज़्यादा सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाली डाइट खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो और एक ब्यूटी स्लीप, एक इनफ स्लीप लें 7 से 8 घंटे की जो आपके स्किन को हेल्दी रखेगी और नेचुरली आपकी स्किन को ग्लोई रखेगी. Remember that everyone's skin is unique, so it may take some time to find its products, to find the products that work best for you. If you have specific skin concerns or conditions, consider consulting with a dermatologist to personalized advice. तो यहाँ पे मेरी आज की वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा.